कार्पोल 500 एमजी टैबलेट जो कि बनाई जाती है जीएसके फार्मा के द्वारा बनाई जाती है। पैरासीटामोल 500 एमजी रहता है जिसको एसिटो अमिनोपिन के नाम से जाना जाता है। कार्पोल एक बहुत ही फेमस दवा है जिसको डर्मेटोलॉजी, जनरल फिजिशियंस और सभी प्रैक्टिशनर इसको रिकमेंडेड करते हैं। जब आपको दर्द हो रहा है या बुखार आ रहा तब इसको रिकमेंडेड किया जाता है। तो ये 15 गोली का पूरा स्ट्रिप रहता है और इसका MRP 16.65 रुपये रहता है। तो ये टेबलेट जो कि यूज़ होती है दर्द को कम करने के लिए और फीवर को कम करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इस वीडियो में मैं इसका यूजर्स, बेनिफिट, साइड इफेक्ट, कैसे यूज होता है, दर्द कैसे काम करेगा, सेफ्टी एडवाइस क्या रखने का, डोज मिस हो जाए तो कैसे लेने का और इसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा अवेलेबल है, तो वो सब बातें इस वीडियो में मैं शेयर करूंगा ताकि कार्पोल 500 एमजी टैबलेट के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल सके। तो यह वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, मेडिकल स्टूडेंट और हेल्थ केयर स्टूडेंट के एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कोई भी मेडिसिन या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले। तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं एक छोटा सा इंट्रो के बाद। कार्पोल 500 एमजी टैबलेट जो कि बनाई जाती है जीएसके के द्वारा बनाई जाती है। पैरासीटामोल 500 एमजी रहता है इसके अंदर जिसको एसिटो अमिनोफिन के नाम से जाना जाता है। 15 गोली का ये पूरा टैबलेट रहता है जिसका MRP 16.65 रुपये रहता है। ये ब्लॉक कर देता है सर्टेन केमिकल मैसेंजर को जो कि रेस्पॉन्सिबल रहता है फीवर पेन के लिए और ये यूज़ होता है और ट्रीटमेंट करता है हेडेक के लिए, माइग्रेंस पेन के लिए, नर्व पेन के लिए, दांतों के दर्द के लिए, शॉर्ट थ्रोट के लिए, पीरियड के दौरान जब पेन होता तब भी यूज़ किया जाता है, आर्टरीज में पेन होता है या मसल एक में पेन होता है या कॉमन कोल्ड होता है तब इसको रिकमेंडेड किया जाता है। तो ये दर्द और फीवर को कम करता है। अगर आप इस टैबलेट को ज़्यादा ले रहे हो, डॉक्टर की सलाह से नहीं ले रहे हो, कंटिन्यूसली ले रहे हो तो कुछ साइड इफेक्ट हो सकता है जैसे कि पेट में दर्द, नोजिया, वॉमिटिंग, ये सब कॉमन साइड इफेक्ट है जो कि हो सकता है। तो जब भी इस टैबलेट को ले तो डॉक्टर की सलाह से ले, डॉक्टर जितना डोज और ड्यूरेशन बोले उतना ले, तोड़ के वगैरह नहीं ले और इसका फिक्स टाइम और फिक्स डोज रखे ताकि बेटर रिजल्ट मिलेगा। तो कार्पोल 500 एमजी टैबलेट काम कैसे करता है, तो उसके मैकेनिज्म की बात करूँ तो इसके अंदर पैरासीटामोल डाला गया है जो कि एक एनाल्जेसिक जो पेन रिलीफ और एंटीपायरेटिक जो कि फीवर रिड्यूस करता है और ब्लॉक कर देता है सर्टन केमिकल मैसेंजर को जो कि फीवर और पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। तो ऐसे काम करती है ये टैबलेट। तो इस टैबलेट के बारे में अगर आपको कुछ भी डाउट रहे तो कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अदरवाइज जो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी है वहाँ पर पूछ सकते हो। चैनल पर और वीडियो पर पहली बार आप विजिट किए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाएं ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक एक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए अपना ख्याल रखें।